हाल चाल सब बढ़िया ना। तो यार आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे कि भाई रिव्यू दो गाड़ी का, रिव्यू दो। तो मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ गाड़ी का और आपको सब बताऊंगा गाड़ी के बारे में कि गाड़ी कितने की पड़ी थी, मैंने किट कहाँ से लगवाई और भाई कितने किलोमीटर चल गए, गाड़ी का मेंटेनेंस क्या है। तो मेरे पास ये जेपी तरफ से प्रोडक्ट आया है जो कि है एक मोबाइल होल्डर, और पहले इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा मोबाइल होल्डर है, मतलब अलग अलग पार्ट है। तो पहले इसको मैं सेट कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यार कैसा है। तो हमारा मोबाइल माउंट हो चुका है रेडी और मैं इसमें लगाता हूँ फोन। पहले मैं ऐसे ही आप रखो फोन और ऐसे प्रेस करो, हो जाएगा क्योंकि यार इसमें वन टच का है कि आप यहाँ पे प्रेस होगा ना फोन तो अपना आप ही कर लेगा, और इसमें ना तो आपको फोन को डैमेज होगा ना स्क्रैच लगेगा क्योंकि इसकी सॉफ्टनेस है इसके साइड में। और निकालने की बात करें तो यार मतलब बहुत ही ज्यादा टाइट पकड़ है इसकी। तो इसके अंदर है ना स्टिकी जेली पैड है जो कि बहुत अच्छी पकड़ करता है उससे, और यार मैं तो इसको टाइम लैप्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ऐसे एक सेकेंड ऐसे इसको किया और ऐसे ऐसे करके और टाइम लैप्स भी बना सकता हूँ। सेकंड चीज इसके अंदर कि इसमें आपको चार्जर पॉइंट का बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो फोन को, और यार मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, और इसको एडजस्ट कर सकते हो आप जैसे मन चाहे, आगे भी कर सकते हो और भाई पीछे जैसे मन करे आपको वैसे कर लेना। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आपको ये अगर ये चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा कूपन कोड है Ajju000 जो कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जाओ जल्दी खरीदो यार इसको और अब करते हैं बात गाड़ी के बारे में। तो ये है फॉर्च्यूनर 2017 मॉडल जो कि मैंने अप्रैल में ली थी, और ये है मैं 4x4 मैनुअल ली थी। और एक चीज बताता हूँ आपको, ये है सिग्मा 4 और जो कि इससे बेस मॉडल है उसके अंदर आपको क्या क्या डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहले आता है इसके अलॉय व्हील का, क्योंकि उसमें आते हैं 17 इंच के अलॉय और इसमें आते हैं 18 इंच के। तो जिस टाइम मैंने ये गाड़ी ली थी ना उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो इस फॉर्च्यूनर का और एक था एंडीवर का। एंडीवर की मैंने ट्राई ली थी 4x4 ऑटोमेटिक में, बट उसे यार इतना मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने BMW में चला रहा था ऑटोमेटिक, उसका एक अलग मजा था और आपको पता है कि यार SUV गाड़ी का एक अलग मजा है। बट जिस टाइम मैंने इसको देखा था, मैं शोरूम में एंट्री हुई मेरी और मैंने इसको ऐसे ही लुक में देखा, मतलब यही गाड़ी खड़ी थी उस टाइम, ये नहीं कि मैंने गाड़ी दूसरी ली थी, वही गाड़ी मैंने ली थी और उस टाइम मैंने इसको ऐसे लुक में देखा यार, मतलब मैंने बोल दिया कि मेरे को यही लेनी है। उन्होंने मेरे को बोला कि 3 महीने की वेटिंग है, तो यार मैंने मतलब बहुत कोशिश की उनसे, बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला कि जो इसकी किट है ये अलग से है, अलग से लगी हुई है, या ये ना कि बम्पर नहीं है, ये अलग से आपको उसका पे करना होगा। तो यार जो मैंने और गाड़ियाँ देखी थी सबसे डिफरेंट थी यार एकदम से, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है घर वालों को जाके कि भाई मेरे को गाड़ी पसंद आ गई है, फॉर्च्यूनर ले रहा हूँ मैं और उसका थोड़ा ऐसे एसेसरीज मेरे को लगवानी है। तो पापा ने बोला ठीक है आप जो तेरे को अच्छा लगे वो ले लो। ये चीज़ मेरे को सबसे प्यारी लगी गाड़ी के अंदर, और आप भी कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छी चीज़ ये है और सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है ये, क्योंकि उस टाइम यार फॉर्च्यूनर का सिर्फ सिंपल लुक आया था ना कि कोई इतना अच्छी अच्छी एसेसरीज आई थी, बट उस टाइम MJF टोयोटा ही इसको दे रहा था। तो अब आते हैं गाड़ी के नंबर के ऊपर बात, जो कि ये मैंने लिया था 1,00,000 रुपए का मेरे को पड़ा था, और इसका वन टाइम पे होता है। अगर इसको आपको ट्रांसफर कराना है तो इसके ट्रांसफर फीस मेरे हिसाब से 5,000-6,000 रुपए होती है और इतने लगते हैं, अदरवाइज आप किसी गाड़ी पे ट्रांसफर करा। गाड़ी चल चुकी 82,000 किलोमीटर और जो कि मैंने इसके टायर है वो मैंने 55,000 किलोमीटर पे चेंज कराए थे, और मेरे को उस टाइम पड़े थे गाड़ी के टायर 61,000 रुपए के टायर पड़े थे चारों टायर। और यार अभी मतलब 50-55-60,000 किलोमीटर तक एक बार गाड़ी के टायर आराम से चल जाते हैं। जो एक किट है इसको बोलते हैं लेक्सस किट, और इसका मैंने पे किया था 1,50,000 रुपए अलग से। तो इसमें 4 पीस थे, एक तो ये फ्रंट का हो गया मतलब इससे नीचे नीचे का हो गया, और सेकंड है जो कि ये है इसका, और थर्ड जो मतलब दो ऐसे पीस है और एक ये बैक का है इसका, मतलब जो ये ब्लैक लाइन देख रहे हो इससे नीचे नीचे का। तो इसका 1,50,000 रुपए दिया था, बट ये फाइबर का है यार, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ये बहुत जल्दी टूटता है, मतलब सच बताऊँ। बट मैंने इसका इंश्योरेंस करा लिया था क्योंकि इंश्योरेंस में इंक्लूड कराने के बाद, क्योंकि यार बहुत एक दो बार मेरे से टूट भी गई है, बट इंश्योरेंस में मेरे को बहुत अच्छा फायदा हो गया इस चीज़ का कि मैंने इसको इंक्लूड करा। ऊपर से फिर मैंने इसमें एक ये फेंडर मिरर बोलते हैं इसको, ये मैंने लगवाया था, और डोर वाइजर, और ये साइड के ये लगवाए थे फॉर्च्यूनर, क्योंकि ये मेरे को पड़े थे और इसके अंदर मैंने 70 मैट डलवाए थे जो बहुत नुकसान हो गया था उससे। बट हाँ ये 4 चीज़ें मेरे को 50,000 रुपये में पड़ी थी, क्योंकि यार उस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था क्योंकि नई नई गाड़ी आई थी और मेरे को लगवानी भी थी। हो गई गाड़ी बाहर की बातें, और अब चलते हैं अंदर तो गाड़ी खुल जाएगी, सबसे अच्छी चीज़ है यार। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, मीटर में देखो सबसे प्यारी चीज़ लगती है जो मेरे को, तो यार सबसे प्यारी चीज़ लगती है मेरे को ये जो अभी गाड़ी का ये बन के आया है लोगो, और पुश बटन स्टार्ट है ये टोयोटा, और अब आएगा मेरा फोटो
ये अगर आप किसी को लगाना है तो इसके अंदर फीचर है, आप अपना फोटो या कुछ भी फोटो लगा सकते हो गाड़ी के अंदर। आपको बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर 4x4 कैसे लगता है, बट जो इससे पहले वाली फॉर्च्यूनर थी उसके अंदर यहाँ पे गियर होता था, बट इसमें नहीं है, और इसमें ये सिर्फ ऐसे 4x4 हो जाती है, ऐसे होके 4x4 मतलब लो 4 हो जाती है और फिर वापस से, मतलब बहुत आसान है इसमें गियर लगाना, उसमें बहुत थोड़ा हार्ड होता था। और सेकंड चीज कि इसमें जो ये ऑप्शन दे रखे हैं जो कि इसमें फीचर्स हैं, IMT, इको मोड और पावर मोड। IMT मतलब अगर आप गाड़ी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और आपको मतलब गियर फील नहीं होते, अगर आप गियर चेंज कर रहे हो ऑटोमेटिक वाली फील आती है। और इको मोड मतलब आप अगर गाड़ी के अंदर बढ़िया से एवरेज निकालना चाहते हो और आराम से गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए बढ़िया है, अगर आप पावर मोड में जाते हो तो भाई फाड़ देती है रोड को। मैं सच बताऊँ ना, मतलब मैं खुद भी देखता हूँ कि जब पावर मोड में लगती है ना उसके बाद ना जो स्पीड की मीटर होता है वो रुकता ही नहीं, वो चलता ही जाता रहता है, बहुत ज्यादा पावर आ जाती है पावर मोड में लगते ही। एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि यार इसके अंदर जो लिखे होते हैं ना सारे, वो सारे मिट चुके हैं, और स्टेयरिंग का कलर जो कि 80,000 किलोमीटर पर स्टेयरिंग का कलर उड़ चुका है, आप देख रहे हो कैसे इसमें निशान आ गए हैं। बट ठीक है, ये वारंटी के अंदर है, कंपनी खुलेगी तो उन्होंने बोला मेरे को आ जाना, हम चेंज करा देंगे। अब आता हूँ कि 80,000 किलोमीटर में इसने कितनी सर्विस मांगी है, मतलब हर 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है, 5,000 रुपए इसकी होती है चेकिंग, और हर सर्विस का कॉस्ट आता है मुश्किल से 7,000 से 8,000 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर सर्विस सर्विस करें तो 7-8 हज़ार रुपए में आपकी इसकी सर्विस हो जाती है, और अदरवाइज और पार्ट चेंज होते हैं, अगर आप ब्रेक शूट चेंज कराते हो तो 20-22 हज़ार किलोमीटर पे, जो मतलब मैं 20,000 रुपए करवाता हूँ, 5,600 और तो मैं 5,600 रुपए तो अगले वाले ब्रेक पैड के लगते हैं और 4,000 रुपए के पिछले के लगते हैं, मतलब 10,000 रुपए में दोनों ब्रेक पे चेंज हो जाते हैं, वो भी 22 से 25,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं मेरे, क्योंकि थोड़ा मैं रफ टॉप चलाता हूँ गाड़ी, पहाड़ों के अंदर चलाता हूँ। सेकंड चीज, गाड़ी मैंने फॉर्च्यूनर क्यों ली थी, क्योंकि भाई इसका मेंटेनेंस बिल्कुल लो है, मेंटेनेंस ना के बराबर है, 80,000 किलोमीटर में आज तक इसने मेरे से सर्विस मांगी है, और इसमें मैंने बाहर से कुछ मतलब अलग से कोई काम नहीं कराया इंजन में अभी तक, मतलब वो क्लच प्लेट कराई थी वो अलग चीज है, मैं वो आपको बताऊंगा बाद में। और इसका रीसेल मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, अगर आप इसको बेचना चाहोगे तो आप बहुत अच्छे प्राइस मिल जाएगा। बैटरी सर्विस इतनी अच्छी है ना यार, बहुत अच्छी है, और गाड़ी के अंदर सस्पेंशन में थोड़ी सी भी आवाज नहीं है ना गाड़ी में कोई, मतलब क्योंकि मैं हर जगह लेके जा चुका हूँ इसको, मतलब लद्दाख लेके गया हूँ, अभी तक सस्पेंशन में कोई आवाज नहीं, मैंने कुछ चेंज नहीं कराया और बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है। मतलब यार मैंने एक चीज देखी कि हाँ, अगर टोयोटा की गाड़ी ले रहे हो आप तो गाड़ी एक बार लेके आप एक बार पैसे दो, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीज और बताऊंगा, जो क्लच प्लेट फूकी थी जो इसकी, उसने ऑटोमेटिक वाला मैट डाल दिया था मैनुअल की जगह, जो क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसने बंदे ने ना ध्यान किया ना मैंने क्या किया, उसने सोचा कि उसका बिक रहा है इसलिए उसने डाल दिया, बट मुझे नहीं पता लगा, और मैंने जब उसको क्योंकि उसको ठीक था तो पूरा पेडल प्रेस नहीं हो रहा, इतना गैप आता था उसके अंदर पेडल के अंदर, तो इसकी वजह से क्लच प्लेट गई है, और कोई रीजन नहीं था। और क्लच प्लेट में भी यार 26,000 रुपए के क्लच प्लेट डली है, और 2,000 रुपए मेरे जो इसका वो लगा था, शीशा टूट गया था फ्रंट, इसका फाइल चार्ज लगाया, अदरवाइज और कुछ नहीं लगा, और अभी गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है, बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। जैसे कि मैंने 4x4 ही क्यों ली, क्योंकि भाई 1.5 लाख रुपए का फर्क था 4x4 और टू व्हील ड्राइव में, तो यार मैंने सोचा क्यों ना, जब इतना खर्च कर रहा हूँ तो 1.5 लाख रुपए और सही, और कभी कहीं अटक जाए या फिर काम, मतलब 4x4 बहुत काम आता है, कुछ लोग कहते हैं भाई काम नहीं आता, बट भाई आप ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ मैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस देखो, वहां पे बहुत काम आता है, क्योंकि मैं लद्दाख गया हूँ, जैसलमेर गया हूँ, बहुत सी जगह गया हूँ, हर जगह मैंने यूज किया है और हर जगह ही काम आता है यार, क्योंकि अगर बाय द वे मैं नहीं लेता तो वहां पे मैं फंसता, फिर भी मैं वहीं सोचता कि यार शायद मैं 4x4 ले लेता तो यहाँ से निकल जाता। सेकंड, मैंने गाड़ी को 36 घंटे कंटिन्यू चलाया है गाड़ी को, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, और गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है कि मैंने इस गाड़ी को मतलब कंटिन्यू 1100 किलोमीटर चलाया मैंने इस गाड़ी को कंटिन्यू, मतलब यार इतनी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। एक बार फिर से बताता हूँ, ये है जैप का प्रोडक्ट कार माउंट, और एक बार आप चेक करो डिस्क्रिप्शन में जाके, और मेरा जो कोड है 10% डिस्काउंट मिलेगा, Ajjo8008 नीचे डाल दूंगा, तो चेक करो, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है यार, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप बाय, ध्यान रखना अपना। We've been getting bronze.